मेरी नजरें तो गिला करती है, तेरे दिल को भी सनम तुझ से शिकायत होगी। मित्रों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। मित्रों आखिरकार मैं पहुंचा हूं मनोज डे मनोज भाई के घर पे, और हम बहुत दूर से चल के आए छत्तीसगढ़ से, और इनसे मिलने की उम्मीद काफ़ी दिनों से थी। जब से धर्मेंद्र सर से मिला हूं मैं, उसके बाद से ही मैं सोच रहा था इनके घर आऊं, और आखिरकार मैं आया अपने दोस्त रंजीत के साथ, और मेरे साथ बैठे हैं मनोज जी। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल आर एम क्रिएशंस में। थैंक यू सो मच भैया, काफ़ी ज़्यादा वेट भी किए हैं। ठीक, बहुत पहले आए थे, एक्चुअली मैं था नहीं घर पर, धनबाद गया हुआ था। मित्रों मनोज डे को आप जानते ही हैं, परिचय के मोहताज नहीं मनोज डे, क्योंकि टेक चैनल इनका है और काफ़ी फेमस है। पूरे इंडिया के यूट्यूबर्स इनको देख के सीख रहे हैं, जो भी शुरुआत कर रहे हैं इनको देख के सीख रहे हैं, और मैं भी इनसे काफ़ी कुछ सीखा हूं। भले मेरे से छोटे हैं उम्र में, लेकिन ज्ञान इनका बड़ा है, और यूट्यूब में काफ़ी बड़ी हस्ती के रूप में उभर कर सामने आ रहे हैं। एक छोटे से गाँव धनबाद के पास, छोटे से गाँव में रहते हैं, तो आपके इस सफ़र की शुरुआत थोड़ा मैं जानना चाहूँगा, सफ़र की शुरुआत किस तरह हुई आपकी? सफ़र की शुरुआत अगर मैं बात करूँ तो पहले मैं ऐसे टेलीकॉम शॉप में ये काम करता था, तो उसी में इंटरनेट से रिलेटेड जुड़ी हुई जो भी काम होते हैं वो सारा काम करता था। ठीक है, तो ऐसे यूट्यूब देखते देखते यूट्यूब के बारे में पता चला कि हम यहाँ पर अपना वीडियो अपलोड कर सकते हैं, यहाँ से हम पैसे भी कमा सकते हैं, फेम भी कमा सकते हैं। तो जस्ट मैंने जियो जब आया हुआ था फ्री, जब इंटरनेट दे रहा था डेटा, तब मैंने अपना खोला हुआ था एक यूट्यूब चैनल, और उसे मजाक में मतलब यूट्यूब स्टार्ट कर दिया। उसके बाद धीरे धीरे देखा कि लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्यार मिलने लगा, बस कंटिन्यू करता रहा, आज हैं आपके बीच, हमारे सब्सक्राइबर लोग मुझे पहचान रहे होंगे। मित्रों काफ़ी इनके सब्सक्राइबर 2 मिलियन से काफ़ी ऊपर हैं, और निश्चित ही बहुत जल्दी आगे जाएंगे। मनोज भाई, आपके जीवन में कोई आदर्श होगा? हर किसी के जीवन में कोई ना कोई आदर्श होता है जिसको हम देख कर सुनकर बड़े होते हैं, तो आपके जीवन में भी कोई आदर्श होगा? वो है मेरे गुरु यूट्यूब, जिनका मैं वीडियो देखकर यूट्यूब में थोड़ा बहुत सीखा हुआ था, वो है धर्मेंद्र सर। ठीक, माय स्मार्ट सपोर्ट यूट्यूब चैनल का नाम है। उनको मैं काफ़ी ज़्यादा अच्छा गुरु मानता हूँ अभी तक, और काफ़ी अच्छे इंसान है, मैं मिला भी हूँ उनसे, मिलने गया हुआ था सासाराम बिहार, तो वो काफ़ी अच्छे इंसान भी। बहुत अच्छी बात। मित्रों धर्मेंद्र सर का मैं भी मतलब मैं चेला रहा हूँ कहना चाहिए, उनकी शुरू से वीडियोस देखता हूँ, और कुछ भी प्रॉब्लम होती है उनसे डिस्कस करता हूँ, और वो सलाह देते हैं, और जो भी प्रॉब्लम होती है सलूशन देते हैं वो। मनोज भाई, आपके एरिया में, आपके गांव एरिया में कोई ऐसा यूट्यूबर है? और यहाँ पे है एक दो और है, जैसे एक ज्योति है, ज्योति श्री मातो, फिर एक सनातन है, डांसर सनातन, ठीक है, जिसका डांस रिलेटेड वीडियोज रहता है। बाकी एक मेरा और फ्रेंड है, तो इधर नहीं है वो, थोड़ा आउट एरिया पड़ता है उसका, डिगवाड़ी, अविनाश नाम है उसका। तो है दो चार अभी यूट्यूब पे, तो काफ़ी लोग मतलब काम करने शुरू कर दिए हैं, बट अगर एक्चुअल बात करें तो इधर इस एरिया में मेरा ही सबसे पहला मतलब यूट्यूब पे चैनल था, फिर मुझे देख करके काफ़ी सारे चैनल्स लोगों ने खोले हैं, अभी अच्छा खासा काम भी कर रहे हैं, अच्छा खासा चल भी रहा है सबका। जैसा आपके पिताजी साइकिल मैकेनिक थे पहले, और अभी भी मतलब वो अपने जॉब को नहीं छोड़ना चाहते। मैं जैसे आपके वीडियोस देखता हूँ, ब्लॉग्स देखता हूँ, आपके परिवार के बारे में सब कुछ जानता हूँ, गोलू के बारे में जानता हूँ, आपके फैमिली में जितने मेंबर हैं आप जो दिखाते हैं सब जानते हैं हम। तो आपने जिस स्तर से शुरू किया है, आपने कभी सोचा था कि आप इस स्टेज से अभी जिस मुकाम पर हैं यहाँ पहुँच पाएंगे? नहीं, ये चीज़ तो एक्चुअल मैंने नहीं सोचा था कि यूट्यूब पर मेरा इतना भी ज़्यादा मतलब कि ग्रोथ हो जाएगा, बट हाँ एक कॉन्फिडेंस लेवल था अंदर से कि मेरे में वो टैलेंट है, मैं लोगों को कुछ सिखा सकता हूँ, ठीक है, बता सकता हूँ। तो ऐसे तो मैंने स्टार्टिंग में यूट्यूब रिलेटेड वीडियोस नहीं बनाता था, मैं तो एंड्रॉयड रिलेटेड मतलब कोई एप्लीकेशन का रिव्यू कर देना, किसी टिप्स ट्रिक्स के बारे में बता देना। फिर मैंने मेरा चैनल जब मोनेटाइज हुआ था, तो मैंने एक वीडियो बनाया था कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया, तो वो वाला वीडियो जो है काफ़ी लोगों ने पसंद किया था। उसके बाद से मैंने इस ट्रैक को पकड़ा कि चलो मैं बन गया यूट्यूबर, तो और भी मैं ट्राई करता हूँ कि काफ़ी और नए नए यूट्यूबर बने, और आज मुझे देख करके बहुत अच्छे खासे बहुत सारे यूट्यूबर्स बने हुए हैं। बहुत कोई अपनी वीडियोज़ में नाम लेते हैं, बहुत कोई नहीं लेते हैं, बात अलग है, बट बहुत कोई नाम लेते हैं। इसाक मुंडा है जो कि उड़ीसा से बिलोंग करते हैं, उनका तो नरेंद्र मोदी जी ने अपने मन की बात जो उनका एपिसोड आता है उसका काफ़ी ज़्यादा जिक्र भी किए थे वो नरेंद्र मोदी जी, कि काफ़ी अच्छा वीडियो बनाते हैं, भारत के जो खाद है, जो खाना है, व्यंजन, उनके बारे में बताते हैं, तो ये सब चीज़ें अच्छा लगता है। इसाक मुंडा अपने इंटरव्यू में भी बताया कि मनोज भाई का वीडियो देख के मैंने चैनल खोला हुआ था, तो अच्छा लगता है। काफ़ी सारे यूट्यूबर हैं जो यूट्यूब ज्वाइन किए सिर्फ मनोज डे को देखकर, और अभी बहुत लोग ऐसे भी हैं जो शुरुआत करना चाहते हैं, तो इनकी वीडियो से सीख सकते हैं आप। आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप जो भी टेक के बारे में जानकारी देते हैं उसके बारे में आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती है, क्या क्या आपको देखना पड़ता है, किस तरह का बुक पढ़ना पड़ता है? तो इसके लिए एक्चुअली मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ता है, ठीक है। जैसे यूट्यूब रिलेटेड मैं वीडियोज़ बनाता हूँ, तो यूट्यूब का जो ऑफिशियल पेज है उसको सब्सक्राइब करके रखना पड़ता है, और वो सारे इंग्लिश में वीडियोज़ अपलोड करते हैं।
फिर उनका ट्विटर अकाउंट हो गया, उनका इंस्टा अकाउंट हो गया, ये सारा फॉलो करना पड़ता है। फिर यूट्यूब को भी हमेशा मैं मतलब कि मान के चलो कि 24 घंटे में 12 घंटा अगर मैं जगता हूँ तो 12 घंटा में 10 घंटा यूट्यूब ही देखता हूँ, ठीक है, ये रियलिटी है, ठीक है, बहुत काफ़ी ज़्यादा मैं यूट्यूब पे एक्टिव रहता हूँ। तो ये सब चीज़ें करना पड़ता है, फिर टॉपिक्स फाइंड करने पड़ते हैं, फिर कमेंट्स रीड करना पड़ता है, लोगों का क्या दिक्कत हो रहा है उस दिक्कत के बारे में वीडियो बना देना, स्क्रिप्ट बनाना, फिर उसको शूट करना, फिर एडिट करना, अपलोड करना, मतलब मेहनत का काम है, बिजी तो रहना पड़ता है काफ़ी ज़्यादा। ये सब कुछ आपने पहले तो नहीं सीखा था, यूट्यूब से ही सीखा धीरे धीरे करके? जी जी बिल्कुल, पहले तो मतलब कि उतना अच्छे से मैं वीडियो भी नहीं बनाता था। आप पहले के वीडियोस देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, बोलने का भी तरीका ये सब सारा बहुत कुछ सुधार हुआ है। पहले तो इतने अच्छे से बोल भी नहीं पाता था मतलब, और थोड़ा गाँव से बिलोंग करता हूँ और सरकारी स्कूल में पढ़ाई लिखाई हुआ है, तो सरकारी स्कूल के बारे में लोगों को अच्छी खासी पता है कि क्या चलता है सीनियर का। फिर भी जो कुछ सीखा खुद से ही सीखा, इंग्लिश काफ़ी ज़्यादा वीक था, बट इस फील्ड में आने के बाद थोड़ा बहुत जो है आजकल इंग्लिश में चैट भी कर लेते हैं, थोड़ा बहुत बातें भी कर लेते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है अपने आप में। यूट्यूब सिर्फ पैसा ही नहीं देता, यूट्यूब से बहुत कुछ मिला मुझे। मित्रों, मैंने अभी तक जितना देखा है पूरे इंडिया से लोग इनके पास आते हैं, अगर उनको कुछ प्रॉब्लम होती है, उनका चैनल हैक होता है तो भी इनके पास आते हैं, ये पूरा सोल्यूशन देते हैं, और काफ़ी हम्बल इंसान। अभी तक मैं जैसे मिला हूँ इनसे, फर्स्ट इंप्रेशन ही इनका ज़बरदस्त रहा मेरे प्रति, क्योंकि इतने कम उम्र में अगर कोई इतना बड़ा आदमी बनता है उसके बाद एटीट्यूड आ जाता है, लेकिन इनमें वैसा कुछ भी नहीं। मनोज भाई, जो यूट्यूब की शुरुआत कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं, उनके लिए कोई संदेश? उनके लिए यही संदेश है कि एक डाउट जैसे उनके दिमाग में ये चलता है कि कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है अभी यूट्यूब पे, और ये रियली मतलब रियलिटी है कि हाँ कंपटीशन है, बट कंपटीशन जैसा आज है, आज से 2 साल पहले भी था और उससे 2 साल पहले भी था और आने वाले 2 साल में भी होगा। तो ये चीज़ सोच करके डिमोटिवेट नहीं होना है, बाकी आप में अगर टैलेंट है तो आप कभी भी आगे बढ़ सकते हो। आप एग्जाम्पल के लिए बड़े बड़े यूट्यूबर्स को ले सकते हो जो कि पहले 0 से आज अच्छे खासे यूट्यूबर्स को पीछे करके आगे निकल रहे हैं, तो आप लोग भी मेहनत कीजिए। और बाकी कंसिस्टेंसी और एक होता है पैसन, ये चीज़ आपके अंदर में होना चाहिए, फिर आप आराम से ग्रो कर सकते हो यूट्यूब पे। मित्रों, अगर आपको यूट्यूब से सीखना है तो मनोज डे की वीडियो देखिए आप, उसमें आपको एक एक छोटी छोटी जानकारी, इनकी पहली वीडियो आती थी 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट की जो वीडियो आती थी, हर एक छोटी प्रॉब्लम को ये अपने चैनल पर बताते हैं और उसकी पूरी जानकारी देते हैं, पूरा सोल्यूशन देते हैं। मनोज भाई, आपसे ये जानना चाहूँगा, आपसे बहुत लोग मिलने आते हैं, बहुत से लोग बिना मतलब कॉन्टैक्ट के आपसे मिलने आते हैं, उसमें कितनी प्रॉब्लम होती है? जो विदाउट कॉन्टैक्ट का जैसे आते हैं तो प्रॉब्लम मेरा तो नहीं होता, बट उनका काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। लाइक अभी मैं व्लॉग्स में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हूँ, आज भी जैसे आपको वेट करना पड़ा क्योंकि मैं गया होता बाहर व्लॉग्स के लिए ही, ठीक है, गाड़ी मेरा जो था वो शोरूम पे था वो लेने गया, तो 2 व्लॉग भी मैंने शूट कर लिया। तो बाहर रहते हैं तो ऐसे बिना बोले कोई आता है तो वहीं है कि वेट करना पड़ता है। कोई कोई तो ऐसा भी होता है कि मैं एकदम बाहर जैसे दिल्ली निकल गया, वहाँ फिर बीच में घूम घूम कर काफ़ी ज़्यादा लोग जाते हैं, तो प्रॉब्लम यही आप लोगों को प्रॉब्लम होता है। तो इसीलिए ट्राई करना कि घर बैठे अगर सॉल्यूशन हर एक चीज़ का निकल जाए तो ठीक है, ना हो तो फिर आप मेरे पास आ सकते हो, लेकिन खुद से ट्राई जरूर कर लेना। हर एक चीज़ का सॉल्यूशन तो ऐसे वीडियो यूट्यूब पे मिल ही जाता है। कोई भी यूट्यूबर अगर प्रॉब्लम होता है तो आपकी, मैं जानना चाहूँगा आप क्या सहयोग करना चाहेंगे उसके बारे में ज़रा बताइए। कोई भी प्रॉब्लम होता है तो जैसे बहुत कोई तो कॉन्टैक्ट करते हैं, ठीक है, और बहुत कोई क्या भी होता है ना, जैसे बड़े बड़े चैनल्स का भी प्रॉब्लम कभी कभी आ जाता है, लाइक फेक स्ट्राइक्स का भी बहुत ज़्यादा चल रहा है यूट्यूब पे, तो वो लोग इंस्टाग्राम पे टैग करते रहते हैं कि मनोज भाई हेल्प हेल्प, तो फिर मैं इंस्टा से उनको कॉन्टैक्ट करके फिर जो भी मेरे से हो पाता है घर बैठे करने की मैं ट्राई करता हूँ, ठीक है। और मैक्सिमम केस में मैंने अभी तक देखा जितने भी आए हैं प्रॉब्लम्स उनमें 90% मैं सॉल्व भी कर चुका हूँ, 10% ऐसा होता है कि कोई कोई सोल्यूशन नहीं निकल पाता। लाइक सबसे बड़ा अगर मैं अचीवमेंट एक बताऊँ तो मैंने एक 3.5 मिलियन वाले चैनल को जो है टर्मिनेट हो चुका था उसको मैंने रिकवर किया खुद से, तो ये सब देख करके अच्छा लगता है। ये प्रभात खबर में भी छपी हुई थी कि मैंने रिकवर किया, तो उनका एक रोजी रोजगार उसी से चलता था, ठीक है, और किसी का चैनल अगर अचानक डिलीट हो जाए तो कैसा लग सकता है वो मुझे पता है क्योंकि मेरा एक चैनल ऑलरेडी डिलीट हुआ है, तो बस एक बड़ा अचीवमेंट था वो चीज़। लाइफ में कभी मनोज भाई आपको डर लगता है कि जैसे टिकटॉक बैन हुआ इस तरह यूट्यूब को लेकर कभी ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और फ्यूचर में कभी बंद हुआ तो क्या करेंगे, इसके लिए कभी आपके मन में डर का अनुभव हुआ? तो पहले डर लगता था, बट अभी इस टाइम प्रेजेंट में देखा जाए तो डर नहीं लगता, बिकॉज ये बात यह है ना कि फेस वैल्यू काफ़ी मुझे लगता है कि बन चुका है, लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। जस्ट मेरा थंबनेल अगर कोई यूज करके वीडियो डालता है तो उनमें भी काफ़ी अच्छा खासा रिस्पॉन्स देखने को मिलता है, तो इससे पता चलता है कि लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। अब बात रही कि यूट्यूब अगर बैन हो गया तो मेरे सारे सोशल मीडिया में मैंने अच्छा खासा एक्टिव करके रखा हुआ है, चाहे वो ट्विटर ही क्यों ना हो, उसमें भी 25K फॉलोवर है। इंस्टाग्राम फेसबुक पेज पर भी आजकल मैं रेगुलर वीडियोज़ अपलोड कर रहा हूँ, वहाँ से भी अर्निंग स्टार्ट भी हो गया है, $100 क्रॉस हो गया है एक ही सप्ताह में। तो ये सब चीज़ें देख करके लगता है कि अब आने वाले टाइम में तो नहीं होना चाहिए कुछ प्रॉब्लम, अदरवाइज अगर होता है तो अपने आप में इतना टैलेंट है कि मैं कमा के खा सकता हूँ, ठीक है, सिर्फ यूट्यूब पे ही मैं डिपेंड नहीं हूँ फिलहाल इस टाइम पे,
बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आगे आने वाले लोगों को पता चलता रहेगा आने वाले टाइम पे, रिवील करूँगा, फिलहाल तो नहीं। चलिए, आपकी भविष्य की क्या योजना है उसके बारे में बताइए जरा, कि आप भविष्य में क्या करना चाहते हैं अपने गाँव के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने देश के लिए। तो भविष्य में तो काफ़ी सारा वैसे मेरा ड्रीम है, और फिलहाल धीरे धीरे तो मेरा तो खुद का ड्रीम तो कंप्लीट हो गया, बट अब मैं देख सोच रहा हूँ कि लाइक जब मेरा खुद का सारा कुछ कंप्लीट हो जाए, लाइक अभी मेरे घर बनाना है अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, बाकी जो भी छोटे मोटे चीज़ें हैं वो तो कर चुका हूँ, उसके बाद समाज के लिए मैं सोच रहा हूँ खुद का एक स्कूल ओपन करने का। ठीक है, वो तो अभी तक मैंने किसी भी वीडियो में नहीं बताया, बट आज मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन कब ओपन होगा ये चीज़ कोई कन्फर्म नहीं है, बट मेरा ये एक सपना है और वो मैं खोल के रहूँगा, वादा है। मित्रों, मनोज भाई के साथ हम बैठे हुए हैं, और आप पहले इनका अगर इनकी वीडियोस देखते हैं आप तो आप जानते होंगे कि ये गाना भी अच्छा गाते थे और गाते ही होंगे अभी भी। तो एक कोई गीत सुना दीजिए हमें। हमारे चैनल में काफ़ी व्यूअर्स हैं जो सिंगिंग की शुरुआत कर रहे हैं या सिंगिंग करते हैं या सिंगर्स हैं, तो उनके लिए कोई गीत ट्राई करता हूँ 90s का सॉन्ग गाने के लिए, ताकि सबको पसंद आए, क्योंकि अभी का जो सॉन्ग आते हैं वो अभी के ही टाइम के लोगों को ही मतलब पसंद आता है, लाइक गोलू जैसा। ठीक है, ये रैप सुनता है बादशाह का, तो ट्राई करते हैं 90s का सॉन्ग गाने का। ठीक है, मेरे महबूब कयामत होगी आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी, मेरी नजरें तो गिला करती है तेरे दिल को भी सनम तुझसे शिकायत होगी। काफ़ी काफ़ी बेहतरीन आवाज़ है इनकी, और मैं तो यही कहूँगा कि आप गाना भी गाइए, सिंगिंग में भी आगे बढ़ सकते हैं आप, काफ़ी शानदार। थैंक यू। मित्रों, गोलू को आप मनोज डे ब्लॉग में आप अक्सर देखते हैं, तो गोलू से हम थोड़ा बात करते हैं। गोलू, आपको ब्लॉग करने में मज़ा आता है? हाँ। कैसा लगता है? अच्छा एक्सपीरियंस आता है। और किस क्लास में पढ़ते हो आप? रोज मेरी नहीं, किस क्लास में पढ़ते हो आप? किस क्लास? स्टैंडर्ड कौन सा, मतलब क्लास 1, 2, 3 किस में पढ़ते हो आप? 3 अभी तो भर्ती हुए हैं। अच्छा, अभी स्कूल जाना शुरू किए हो? नाम तो डिलीट हो गया था स्कूल से। अच्छा, नाम डिलीट हो गया था स्कूल से, चलिए बहुत अच्छी बात है। मनोज भाई, हमारे चैनल में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझसे बातें करने के लिए, दर्शकों से रूबरू होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो धन्यवाद आपके चैनल पे मुझे आने का मौका मिला। हमारे व्यूअर्स और आपके व्यूअर्स के लिए अंत में कोई संदेश? अंत में यही संदेश है, भाई के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो भी नहीं किए हैं नए हैं बेल आइकन को प्रेस कीजिए, भैया के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, बाकी आप लोग भी मेहनत कीजिए, काम कीजिए, बेस्ट ऑफ लक आप सबको, आप भी आगे बढ़ो। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, इसी तरह और किसी सिंगर्स के पास या यूट्यूबर्स के पास जाएंगे हम और उनसे बातें करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पर वीडियोस देखने के लिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों को देखने के लिए आग्रह करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। जय हिंद, जय भारत।